मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है सिंपल कंस्ट्रक्शन है फ्यूल लिया फ्यूल की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें सॉरी हीट एनर्जी को किसमें बदल दिया मैकेनिकल एनर्जी में बेटा तो हीट एनर्जी का मतलब होता है थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी इसलिए कहते हैं कि भाई इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा थर्मल का ज्ञान होना जरूरी है थोड़ा सा बस ज्यादा नहीं दिक्कत पड़ेगी मैं समझा दूंगा है ना चलो जी इसके बाद में इंजन जो है उसको दो भागों में बांटा है एक एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन दूसरा इंटरनल कंबस्टन इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है वो इंटरनल कंबस्टन दहन सिलेंडर के बाहर होगा तो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन इसमें आईसी इंजन के अंदर दो इंजन आते हैं बेटा एक ऐसा और दूसरा ऐसा ही, ही समझ लेना कौन सा इंजन है पेट्रोल और सिलेंडर के अंदर होता है। जैसे का इंजन कार का इंजन ट्रक का इंजन ये जितने भी आप लोग वाहन देखते हुए सारे आईसी इंजन होते हैं लेकिन आप कहोगे सर हमने तो ऐसा देखा ही नहीं बेटा पहले भारत में एक ही ट्रेन चलती थी फेरी की करके कुछ ऐसे नाम था जो जयपुर से अलवर दिल्ली से अलवर चलती थी विदेशी सैलानियों के लिए चलाई जाती थी वगैरह देखने जो लोग आते थे ना अंग्रेज काफी महंगी टिकट थी उसकी टिकटो रुपये खोज जेम्स वाट ने की थी नाम सुना होगा ना पहला स्टीम इंजन किसने बनाया तो ये वही जेम्स वाट है ये वही इंजन है जो गदर मूवी में सनी देवल और सनी देवल का बेटा दोनों कोयले फेंकते हैं ठीक है लेकिन अब तो इंजन ही बंद हो गए ये थे एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन और ये होते हैं इंटरनल इंटरनल कम्बस्टन इंजन साइज में छोटे हैं ये साइज में क्या होते हैं आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि इसमें बॉयलर होता है ये होता है बॉयलर पढ़े होंगे ना बेबकॉन बिबकॉर्न और ये बॉयलर फायर ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर ये यही है बेटा यहीं पे बनता था ये बॉयलर है ना लेकिन अब बॉयलर टॉपिक ही हटा दिया नए जो अब आपका वो बन रही है इंजीनियरिंग की किताबें हमने तो बॉयलर ही बहुत ज्यादा पढ़े थे लगभग दस बारह तरह के बॉयलर पढ़े थे हमने कॉलेज में बिबकोक बैबकोक और फलान डिकनार, लोकोमोटिव मोटिव इंजन और ये इंजन अब है ही नहीं किताबों में देखता हूं मैं हमारा भी फायदा है थोड़ा कम पढ़ाना पड़ता है ठीक है चलो जी हमने क्या किया उसके बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए और फिर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन यानी इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है हर एक चीज का मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा एक बार कल की क्लास देख लीजिएगा वहां से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा उसके बाद में मैंने कहा तीसरी जो क्लान आया और इस इंजन को इस तरह से आपके सामने डिजाइन करके रख दिया और ये लो जी भैया इंजन के अंदर जो लगा उसका नाम है पिस्टन चलो पिस्टन हम बाद में लगाएंगे पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो ऊपर वाला भाग मैंने आपको डोड डोड

एक हो गया आउटलेट वाल और एक हो गया बेटा पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग ये इनलेट वाल आउटलेट वाल स्पार्क प्लग आपके टैपेट रोकर आर्म पुशरोड ये सारी की सारी चीजें हेड पर लगाई जाती है बीच वाला जो भाग है इसका नाम होता है ब्लॉक क्या होता है ये जो ब्लॉक पोर्शन होता है बेटा इस ब्लॉक पोर्शन में आपका मूवमेंट करने वाली जो डिवाइस होती है उस डिवाइस का नाम होता है पिस्टन क्या नाम है इसमें जो मूवमेंट करती है गति करती है ये गतिशील जो भाग होता है इस गतिशील भाग को हम पिस्टन कहते हैं पिस्टन ये वाला पूरा का पूरा मैंने पोर्शन बना दिया पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे गति करता है और इस ऊपर नीचे गति करने को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या बोलते हैं तो इंजन का वह पार्ट जहां पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है या कोई रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है उसे क्या बोलते हैं ब्लॉक यानी पिस्टन कहां पर लगा होता है ब्लॉक में लगा और नीचे जुड़ा होता है क्रैंक केस क्या है बेटा यानी तीन समझ में आ गई बेटा इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या नाम देते हैं सिलेंडर इसको पूरे को क्या कहते हैं ये भाई हमारा क्या है सिलेंडर है क्या है बेटा सिलेंडर समझ में आ गई बात पूरे को नाम क्या देंगे सिलेंडर और सिलेंडर का ऊपर वाला भाग बीच वाला नीचे वाला करेंगे कोई दिक्कत यहां तक चलो जी अब मैं थोड़ा सा और आपको हल्का सा इस पेस्टन के बारे में और डिटेल से समझा दूँ थोड़ी थोड़ी सी बातें जिससे आप लोगों को आगे चीजों को पढ़ने में असुविधा ना हो जैसे हमने यहां पर बनाया इस बात को बताओ क्या नाम दोगे सर ये तो हम जानते ही नहीं है आपने आज ही तो बनाया है जानते हो नहीं जानते हैं जी जानते हो जड़वा देंगे बिलकुल ये मैंने क्या थोड़ा स्टाइलिश पिस्टन बना दिया आपको है ना जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी ये लो लो भाई जी क्या है ये सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर जो ये बीच में जो पार्ट्स होता है इस पार्ट्स को क्या नाम देते हैं ये कौन है पिस्टन है कौन है पिस्टन है ये वाला पिस्टन ऊपर वाला हेड, नीचे वाला क्रेंकेस और बीच वाला ब्लॉक बेटा यहां पर है ना इसको मैं छोटी सी एक डॉट-डॉट लाइन बना रहा हूं आप इसको ध्यान से देखिएगा इससे ऊपर वाला क्या है हेड, इससे नीचे वाला इसको नाम देते हैं टीडीसी, क्या देते हैं इसको नाम देते हैं बीडीसी, क्या देते हैं टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर क्या है बेटा टॉप डेड डेड सेंटर सेंटर एंड बॉटम कोई दिक्कत नहीं चलो हम इसको और थोड़ा सा समझे तो पिस्टन में एक रोड जुड़ी होती है उस रोड का नाम होता है पिस्टन रोड क्या नाम है लेकिन डीजल थ्योरी या आईसी इंजन के अंदर इसको लोग पिस्टन रोड नाम ना देके कुछ और नाम देना पसंद करते हैं इसको नाम देते हैं कनेक्टिंग रोड क्या देते हैं कनेक्टिंग रोड बेटा जो कनेक्ट करती है उसको नाम क्या दे दिया कनेक्टिंग रोड नाम दे दिया और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है खूब नाम तो हमारे ले के तो लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का जब दिमाग खराब होता है ना तो वो वापस कह देता है नहीं जी कनेक्टिंग रोड नहीं क्या है पिस्टन रोड पिस्टन को जोड़ने वाली रोड को पिस्टन रोड या कनेक्टिंग रोड कहा जाता है ये जो नीचे ये जो डिवाइस बन रही है ये जो पोर्शन बन रहा है आप लोगों का इसका नाम क्या है बताओ क्रैंक क्या है बेटा इसको हम बोलते हैं क्रैंक अब इन दोनों में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मुझे बताओ बेटा ये वाला इससे छोटा है या ये, ये वाला छोटा है एक नंबर वाला छोटा है या दो नंबर वाला साइज में बताओ ऐसे या ऐसे एक नंबर वाला छोटा है तो इसको हम नाम देते हैं स्मॉल एंड क्या नाम देते हैं स्मॉल एंड देते हैं बेटा यानी कनेक्टिंग या पिस्टन रोड का जो स्मॉल एंड है ये स्मॉल एंड किससे जुड़ा होता है जी? पिस्टन से किससे जुड़ा है पिस्टन से जुड़ा है। किसके द्वारा जुड़ा होता है पिस्टन पिन के द्वारा ठीक है ये कौन है पिस्टन ये कौन सा एंड है स्मॉल एंड स्मॉल एंड पिस्टन से जुड़ा होता है और पिस्टन से जोड़ने के लिए जिस पिन की जरूरत पड़ती है उस पिन को नाम देते हैं पिस्टन पिन या गजन पिन क्या नाम देते हैं पिस्टन पिन या गजन पिन गजन पिन इसको पिस्टन पिन या गजन पिन के नाम से जाना जाता है कोई दिक्कत तो नहीं है आता चलो अगर हम इसकी बात करें नीचे वाले पोर्शन की तो ये क्रैंक है और क्रैंक से कनेक्टिंग रोड का जो ये बड़ा सिरा जुड़ा होता है इसे बोलते हैं बेटा बिग एंड क्या बोलते हैं बिग एंड बोलते हैं ये जो बिग एंड है ये क्रैंक से जुड़ा होता है और जिस पिन के द्वारा जुड़ा है उस पिन का नाम है क्रैंक पिन क्या नाम है क्रैंक पिन नाम है बताओ भाई यहां तक तो कोई दिक्कत ऊपर वाला भाग क्या था बेटा हेड बीच वाला नीचे वाला पिस्टन किस में गति करेगा और बेटा वाल कहा लगे होते हैं और क्रैंक कहां लगी होती है क्रैंक केस में लगी होती है ना ये तो टीप टीप के बता रहे हो तुम लोग है ना चलो ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं नीचे वाले को बीडीसी बोलते हैं टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम होता है इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बोलते हैं कि भाई ये स्ट्रोक का वॉल्यूम कितना है क्या बोलते हैं स्ट्रोक का वॉल्यूम कहते हैं ठीक है बेटा इसी को स्विफ्ट वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पिस्टन है ये आपकी क्रैंक है पिस्टन को क्रेंक से जोड़ने वाली जो रोड होती है उसका नाम क्या है कनेक्टिंग रोड और इसे कनेक्टिंग रोड को पिस्टन रोड कहा जाता है ठीक है जी ये दोनों चीजें आपको समझनी है अब मुझे बताओ कि इस पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने वाली पिन कौन सी है कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ने वाली पिन कौन सी है पिस्टन पिन स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड आर कनेक्टेड बाय इन पिस्टन विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन और गजन पिन लेकिन अगर हम पूछे बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड आर कनेक्टेड टू क्रैंक पिन किससे क्रैंक पिन से तो बेटा ये क्रैंक पिन से जुड़ा है ये किससे जुड़ा है पिस्टन पिन से जुड़ा है कोई दिक्कत यहां तक चलो एक डायग्राम और बनाऊंगा बस थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करूंगा मैंने कहा ये वाला हिस्सा आप लोगों का पूरी की पूरा जो चैप्टर है ना बेटा ये इसमें आ जाएगा ये तीन डायग्रामों में इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना केवल इस चीज को समझना है ये हमने कहा इस सिरे को इस हिस्से को हमने क्या नाम दिया बेटा ए जी सिलेंडर सिलेंडर के कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं पहला भाग कौन हेड है? दूसरा ब्लॉक और तीसरा

और ये जो ऊपर मैंने दो रिंग बनाई है इन दो रिंगों को क्या नाम देंगे भाई कंप्रेशन रिंग क्या नाम देते हैं कंप्रेशन रिंग अब मेरा क्वेश्चन तो सुन लो आप लोग कि भाई जो आपका इंजन होता है उसमें कितने प्रकार की रिंग लगी होती है कौन कौन सी कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग देखो प्रकार पूछे तो दो प्रकार है रिंग पूछे कितनी होती है तीन होती है दो कंप्रेशन रिंग होती है और एक कौन सी होती है ऑयल तो रिंग रिंग होती है एक क्या होती है कहा ना चला जाए इसलिए कौन से रिंग लगाते हैं ऑयल रिंग और जब आपकी ऑयल रिंग खराब हो जाती है घिस जाती है तो आपका जो साइलेंसर है वो धुआं देने लग जाती है फिर अपन क्या कहते हैं अरे यार इंजन आ गया है गाड़ी का कहते हैं ना तो इंजन आता है ना तो इंजन में कौन सी रिंग खराब होती है ऑयल रिंग खराब होती है फिर अपन मिस्त्री के पास जाते हैं बोले भाई इंजन करवाना है इसका बोर करवाना है बोर तो इंजन मिस्त्री कहता है हाफ करवाओगे फुल करवाओगे हाफ में लेते हो ढाई हजार से तीन हजार रुपए और उसमें क्या करेंगे एक ऑयल रिंग फंसा देते हैं बस ढाई तीन हजार रुपए की एक रिंग यानी चूड़ी सी आती है बेटा जैसे हाथ में पहनते हैं ना पतली कांच वाली चूड़ी ऐसी आती है और उसको फंसा देते हैं ढाई हजार रुपए की एक चूड़ी घरवाली को चांदी की चूड़ी लाते इतने रुपए में कोई नहीं इनकी इच्छा थी। गारंटी नहीं है ना वो मिस्त्री कहता अब चेक कर ले बाद की मेरी कोई गारंटी नहीं है कल कल तक की भी गारंटी नहीं है अब चेक कर ले भैया एक दो दिन कोई जानकार होता है तो कहता दो पांच दिन दस दिन देख ले कोई दिक्कत आए तो मैं दोबारा देख लूंगा देख के लेगा दोबारा फंसा देगा दूसरी कौन सा खर्चा आ रहा है बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं सौ रुपये का काम है जिसमें ढाई हजार रुपए आपने ले लिए कोई बात नहीं पर ऐसे ही चलता है बेटा ये अपना इंडिया है तो ये धुआं ये जो ऑयल है ये ऑयल कहीं ऊपर ना चल जाए है ना किसी को बताना नहीं कहेंगे गुरु लोगों का धंधा पानी खराब कर रहे हैं तो ये जो ऑयल है ना ये ऑयल कहाँ जाए बेटा ऊपर ना जाए इसलिए कौन से रिंग लगाते हैं ऑयल रिंग अब ऊपर की तरफ इसमें एयर और फ्यूल का मिश्रण भरा रहता है क्योंकि इंजन बेटा पेट्रोल इंजन है पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण भरा रहता है और इस एयर और फ्यूल का जो मिश्रण है इसको स्पार्क इस प्लग से जलाते हैं कौन से प्लग से जलाते हैं स्पार्क प्लग से तो स्पार्क प्लग से जलाने के कारण यहाँ पे एक समस्या पैदा हो जाएगी और बेटा ये एक स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक देखो स्ट्रोक कितने होते हैं सक्शन पहला कौन सा सक्शन के बाद कंप्रेशन के बाद पावर ना इसको एक्सपांशन बोलते हैं बेटा ना पावर को ही क्या बोलते हैं और अगला होता है एग्जोस्ट क्या होता है हिंदी में नाम बड़े खतरनाक है को क्या बोलते हैं चूषण संपीडन शक्ति निष्कासन क्या नाम दिए इनको है ये इनके नाम होते हैं अब आप देखो पहले क्या होता है सक्षन चूषण होता है यानी सबसे पहले हिंदी तो रहने ही दो तुम लोग है ना तो इसमें क्या होता है भाई स्ट्रोक में एयर और जो फ्यूल का मिश्रण होता है इसको शक करता है बेटा बाहर से ये आता कहां पे बेटा एयर फ्यूल का मिश्रण है जी चलो ये मैंने एक डिवाइस लगाई है जिसका नाम है कार्बोरेटर क्या नाम है कार्बोरेट और ये है बेटा एक टंकी जिसे बोलते हैं फ्यूल टैंक मोटरसाइकिल में टंकी लगी रहती है ना ऊपर इस मोटरसाइकिल की टंकी से तो आ रहा है तेल और वायुमंडल से आती है बेटा हवा वायुमंडल से क्या आती है आपकी 12 लीटर तो हवा जलेगी 12 से 15 लीटर और एक लीटर जलेगा तेल पेट्रोल कितना जलेगा एक लीटर और 12 से 15 लीटर क्या जलेगी हवा क्या बात है तेल के रुपए तो देते हवा के किसको दोगे मुझे दे देना वो है ना क्योंकि भाई एक लीटर तेल कितने रुपए का है एक रुपए का तो बारह लीटर हो गया कितने का अरे के हिसाब से दे दीजिए यार मुझे दे करो जब एक लीटर तेल डलवाओ क्योंकि यहां से से एयर एयर वायुमंडल आ रही है है इस और फ्यूल को मिक्सिंग करने का काम कौन करता कार्बोरेटर इनलेट वाल के द्वारा सिलेंडर के अंदर चला जाता है लेकिन ध्यान रखना डीजल इंजन में इनलेट वाल से एयर और फ्यूल नहीं आते केवल एयर आती है क्या आती है मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं अभी ठीक है आगे आपको समझा दूंगा ये बात पेट्रोल की टंकी से यानी मोटरसाइकिल की टंकी से फ्यूल आया वायुमंडल से एयर आई दोनों की मिक्सिंग हुई कार्बोरेटर में इनलेट इनलेटवाल के द्वारा सिलेंडर के अंदर चला गया अब सिलेंडर के अंदर चला गया सक्ष स्ट्रोक में हमने इसे भर लिया कंप्रेशन स्ट्रोक इस में इसे दबा रहे जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगला स्ट्रोक कौन सा है पावर स्ट्रोक में हम स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी पैदा करेंगे और क्या हो जाएगा धमाका अब जैसे ही इसमें अंदर धमाका होता है टेम्परेचर हो जाता है बेटा 2000 से ढाई डिग्री सेल्सियस सोच के देखो सोचने में तो क्या जा रहा है है ना दो से ढाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है अगर गलती से ये आग नीचे इस ऑयल में चली गई तो क्या होगा किसमें तेल में ही तो लगेगी मोटरसाइकिल वाले को तो कुछ होगा ही नहीं धमाका हो जाएगा आदमी पता नहीं कहां जाएगा इसलिए कंपनी एक नहीं कितनी लगाती है दो लगाती है कभी एक मत लगा देना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है है कंप्रेशन रिंग कितनी होती एक एक तू तो एक पे टिक कर आया वो मोटरसाइकिल जो चला रहा है उसका तो हाल देख ले क्या है क्योंकि थ्योरी मेरे हिसाब से गलत होना संभव नहीं है बेटा थ्योरी गलत उस व्यक्ति की होती है जो बिल्कुल मतलब ही मतलब ये मान लो आप ज्ञान ही नहीं है उसको ये सब्जेक्ट गलत होने ये तो टोटली प्रैक्टिकल चीज है आप एक कंप्रेशन रिंग लगा रहे हो जैसे आपने एक ऑयल रिंग लगाई एक ऑयल रिंग अगर फेल हो गई तो कोई बात नहीं गाड़ी धुवाई तो देगी और एक कंप्रेशन रिंग एक लगाई तो वो फेल हो गई तो गोड़ गोल कैसे घूमेगी रोटेरी मोशन करती है पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के रोटेरी मोशन में कन्वर्ट करने का जो काम करती है वो कौन करती है कनेक्टिंग रोड कौन करती है कनेक्टिंग रोड करती है ये बात समझ में आ गई बस अब पूरे चैप्टर में यही यही बातें हैं इनको तरीके से समझ लो अब आप लोग ने तीन डायग्राम अच्छे से क्लियर कर लो दिमाग में इमेज सेट हो गई तो कोई भी दुनिया की ताकत गलत नहीं कर सकती सबसे पहले कौन है बेटा सिलेंडर कौन है सिलेंडर के कितने भाग पहला भाग कौन हेड के बाद ब्लॉक और ब्लॉक के बाद क्रैंकेस ठीक है तीन पोर्शन होते हैं भाई अरे मैं नहीं लड़ता ऐसे मैं आदमी हूँ है ना डांटता बाटता नहीं हो मैं खुद ही मतलब अपने लेवल पे देख लिया क्योंकि देखो छोटे बच्चों को लड़ा जाता है बड़े बड़े बच्चों को को तो कौन लड़ता है बड़े हो गए अब कल बन जाओ और फिर मेरे ऊपर ही दुश्मनी निकालो गुरु जी का कनेक्शन बि, बिजली का गलती से बिजली बोर्ड में लग जाओ मेरे ही कोचिंग का कनेक्शन उड़ा दो अगर दो घंटे भी उड़ा दिया तो मेरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना तो मैं जयनों से कभी दुश्मनी नहीं लेता और मुझे पता है तुम लगने सारे हो बेटा कोई जल्दी लगता है कोई रोध होके लगता है लगते सारे हैं मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा को जो जयन वाला बच्चा है ऐसा जो टेक्निकल का वो रहता है बेरोजगार नहीं रहता कोई हिम्मत ही आ जाए है ना अब जैसे पहले कुछ बच्चे आती थी मेरे पास एक मनीषा नाम की लड़की आती थी राजगढ़ से वो लड़की पढ़ने में अच्छी थी बीच में उसने थोड़ा फल फ्लो छोड़ दिया बाद में वो दोबारा पढ़ने लग गई आज नौकरी लग गई इसके अलावा कुछ लड़कियाँ और आती थी एक दो वो शादी वादी हो गई उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी अब उसमें तो गुरु का कोई योगदान नहीं है ना भाई पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है लड़के इस तो सारे लगे जाते हैं क्योंकि इनको पता है इनका शादी ब्याह होने नहीं है लास्ट में नौकरी लगनी पड़ेगी नौकरी नहीं इनका करता कौन है बेटा लड़की मना कर देती है लड़का क्या करता है बेरोजगार है बोले रहने दो मैं भी बेरोजगारी ठीक हूँ भी रहने दो शादी की जरूरत ही नहीं है और सामने वाले से कहते बोल लड़का जाइए नहीं कहा कोई दिक्कत नहीं फिर तो कर लूंगी शादी तो सोच लो बेटा लड़को चलो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं बेटा पिस्टन के बारे में क्या पढ़ते हैं पिस्टन के बारे में मैंने आप लोगों से कहा कि भाई ये सारे के सारे जो डायग्राम है ये डायग्राम देखने के बाद आपको हर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए पिस्टन क्या होता है ये आपका एक पिस्टन जो डिवाइस है ये वाली डिवाइस है बेटा ये सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर जो मोशन करने वाला पार्ट्स होता है ये मोशन करने वाले पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं पिस्टन बोलते हैं ये पिस्टन करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या करता है तो मैंने यही लिखा है बेटा कि केमिकल एनर्जी यहां पर फ्यूल जलेगा फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी जो है उसको हम कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस के बाद स्पार्क प्लग से चिंगारी पैदा करते हैं तो कंप्रेशन के बाद में इससे डेवलप होती है मैकेनिकल एनर्जी हर वो मेटल का पार्ट जो रोटेटिंग करने लग जाए घूमने लग जाए मोशन करने लग जाए या आप तो ये मान लेना जहां शापट घूमने लग जाए ना शाफ्ट वहां पर मैकेनिकल एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी ठीक है तो हमारा क्या है पिस्टन इंजन का महत्वपूर्ण भाग है जो फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को संपीडन की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है आगे बात करें पिस्टन सिलेंडर के अंदर कैसे गति करता है ऊपर नीचे क्या करता है ऊपर नीचे राहुल मीना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मेरे लिए सुपर सर हो आप थैंक यू भाई हाँ ना पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे चलता है इसकी परिधि पर क्या लगी होती है बेटा पिस्टन रिंग लगी होती है क्या लगी होती है पिस्टन रिंग जब पिस्टन सिलेंडर के नीचे ऊपर नीचे गति करता है तो ऊपर नीचे गति करने को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन और ये जो कनेक्टिंग रोड है ना बेटा कनेक्टिंग रोड इससे जुड़ा रहता है और इससे क्रैंक साफ्ट की कैसी गति बनती है वृत्ति गति यानी पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है तो मैंने यही लिख दिया बेटा स्पष्ट कि पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसके को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंक साफ्ट के रोटेरी मोशन में कन्वर्ट करना ही इसका पर्पज होता है किसका पर्पज है कनेक्टिंग रोड का पिस्टन कैसे चलेगा रेसिप्रोकेटिंग क्रैंक कैसे घूमेगी कौन घुमाएगी कनेक्टिंग रोड क्लियर है चलो इंजन की जो एफिशिएंसी है ये पिस्टन के कार्य पे निर्भर करती है पिस्टन जितना अच्छा काम करेगा उतना ही बेटा जितनी स्पीड से पिस्टन चलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो पिस्टन का जो वर्किंग है या इंजन की एफिशिएंसी पिस्टन के कार्य पे निर्भर करती है पिस्टन किसके बने होते हैं कास्ट लेकिन अगर हल्के बनाने हैं तो एल्युमिनियम अनलॉय के सिलेंडर के अंदर गैस टाइट प्लग की तरह कार्य करता है पिस्टन बिल्कुल फिक्स रहता है बेटा गैप नहीं रहता है बाल भी नहीं जा सकता इतना गैप भी नहीं होता जिससे अधिक दाब के कारण कंबस्टन चैम्बर की गैसें ऊपर की जो गैसें हैं वो लीक होके कहा नहीं जाती नीचे और नीचे का ऑयल लीक होके कहा नहीं आता ऊपर क्लियर है एयर टाइट प्लग की तरह कार्य करता है बेटा ये निर्भर नहीं करेगा इंजन के स्पीड निर्भर करेगा कितने आर पे आप हो पिस्टन की स्पीड तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा है ना पिस्टन नहीं है कनेक्टिंग रोड और कैम साफ्ट क्रैंक साफ्ट इनके तो फिर भी रहते हैं रिलेशन जो अभी मैं आपको बताऊंगा है ना अब जैसे पिस्टन कितना ये तो आप इंजन कितनी स्पीड पे जितना आपने एक्सीटर खींच रखा है उतना ही चलेगा ये तो ठीक है फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे ग्रहण करता है और क्रैंक साफ तक पहुंचाता है मैंने इसमें एक लाइन लिखी है कि ये जो आपका सिलेंडर है ये इस तरह की डिवाइस है और सिलेंडर के अंदर क्या है पिस्टन है ये इस तरह से है तो पिस्टन क्या करता है फ्यूल जलेगा और फ्यूल के जलने से ऊपर की तरफ बनता है बेटा प्रेशर क्या बनता है ऐसे इस पर प्रेशर पड़ेगा जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ेगा प्रेशर को यह ग्रहण करता है और कहां तक पहुंचाता है

चलो जी पिस्टन का जो क्लियरेंस है ये इतना होता है बेटा जीरो पॉइंट जीरो पच्चीस एम एम सोच के देखो जीरो पॉइंट जीरो पच्चीस एम एम एक एम एम कितना सा होता है फुटे में जो ये खाने बने होते हैं ये खाने बने होते हैं आपके इस तरह से पंद्रह तीस होते हैं तीस खाने में ऐसे छोटे छोटे खाने रहते हैं जो ये छोटा सा खाना होता है ना वो एक एम एम का होता है समझ गए स्केल में एक छोटा सा खाना होता है ना इतना सा ये एक एम एम का है और एक एमएम नहीं जीरो पॉइंट जीरो पच्चीस सोच भी नहीं सकते तुम लोग इतना सा गैप होता है जिससे वो चल सके बस हवा नहीं निकल सके हवा भी नहीं निकलने देता इतना एयर टाइट प्लग की तरह कार्य करता है ये आपका पिस्टन बना बना दिया कौन है ये पिस्टन पिस्टन में रिंग कौन सी है ऑयल रिंग नीचे वाली रिंग कौन सी बेटा ऑयल रिंग होती है और ऊपर वाली कंप्रेशन रिंग कितनी है दो ऑयल रिंग कितनी है एक है लेकिन एक इंजन ऐसा भी होता है जिसका नाम है टू स्ट्रोक इंजन कौन सा टू स्ट्रोक इंजन जनरली अपनी जो मोपेड होती है वगैरह हो गई पहले वो आता था राजदूत कंपनी का स्कूटर जिसको अपन टेढ़ा करके चलाते थे है हाँ ना पहले के बूढ़े बाबा चलाते थे उसको मास्टर जी भी लाते थे स्कूलों के सरकारी स्कूल के हा दूध वाले या जो से है? बजाज का, चेता, था वो, ना? बजाज का चेता कर खतरनाक स्कूटर था पहले के जो मास्टर जो वो लेके चलते थे पहले के मास्टर गरीब होते थे बेटा अब के मास्टर अमीर होते हैं पहले सच बात है बेटा पहले सरकारी स्कूल के मास्टर को सैलरी मिलती कहां थी पंद्रह हजार बीस हजार बेचारों को पंद्रह हजार रुपए में या तो अपना घर खर्चा चला दे मास्टर या तो पहले का जो सरकारी मास्टर वो या तो स्कूटर पे आता था या साइकिल पे आता था साइकिल से जो आ रहा है वो अच्छा मास्टर था स्कूटर पे आता तो वो अमीर मास्टर होता था आजकल स्कूटर साइकिल का तो खेल ही नहीं है हर मास्टर कार लेके आता है तो गवर्नमेंट ने सैलरी बहुत बढ़ा दी है अब है ना चलो ये ऐ पहले खर्चा कम था सारी चीजें है बेटा भौतिक सुविधाओं की जरूरत भी नहीं होती थी आदमी को पहले के मास्टर पतले होते थे अब के मोटे होते हैं <laughs> साइकिल चलाते थे ना वो ये चक्कर है <laughs> अगली है बेटा पिस्टन रिंग कौन है पिस्टन रिंग पिस्टन की परिधि पर खांचे बने होते हैं और खांचों में जो रिंग लगी होती है उस रिंग को क्या नाम देते हैं पिस्टन रिंग नाम देते हैं पिस्टन रिंग दो तरह की है आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले कौन सी गैस दाब को सील करने का काम कौन करती है कंप्रेशन रिंग और दूसरी कौन सी लुब्रिकेशन ऑयल को ऊपर जाने से कौन रोकती है, रिंग रोकती है।, क्लियर है? चलो जी। पिस्टन रिंग मिश्र धातु की बनी आयताकार सेक्शन की चूड़ी होती है ऑयल रिंग में होल बने होते हैं जिनमें लुब्रिकेशन ऑयल पास होता है लो ना ये बन गया डायग्राम यहां पर बताओ इसको क्या नाम दू मैं पिस्टन दे दो सर ना किसी को आपत्ति थोड़ी है नहीं नहीं मैं इसको पिस्टन नहीं बोलूंगा भाई मुझे नाम ये पसंद नहीं है ठीक है ये नीचे कौन सी रिंग बनाई है मैंने रेड कलर की ऑयल रिंग और ऊपर कितने रिंग बनाऊं एक कौन सी और दूसरी कौन सी जो आपका टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें नीचे वाली जो ऑयल रिंग है ना बेटा वो नहीं होती क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में हम पेट्रोल के साथ ऑयल डालते हैं वो धुआं खुद ही देते रहते हैं हमेशा उसमें ऑयल चैम्बर ही नहीं है अब नीचे ऑयल चैम्बर नहीं है तो ऑयल रिंग की जरूरत है क्या नहीं है तो इसलिए टू स्ट्रोक इंजन में कभी भी ऑयल रिंग नहीं होती सर आप तो मोटे हो हाँ बिल्कुल अजय चलो भाई ये लो जी आगे चले तो आगे बात करते हैं पिस्टन रिंग के कार्य क्या है पिस्टन रिंग के कार्य क्या है तो इन रिंगों के कार्य को भी हम हल्का सा देख लेते हैं मैंने कहा बेटा ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में प्रेशर सील बनाए रखती है जिससे कंबस्टन चैम्बर का जो हाई प्रेशर होता है वो क्रैंक केस में लीक नहीं होता है ये बिल्कुल टाइट प्लग की तरह कार्य करती है पिस्टन हेड से सिलेंडर की दीवारों को उसमा बहने के लिए रास्ता बना देती है और लुब्रिकेशन ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करती है अर्थात लुब्रिकेशन ऑयल कभी भी कहां पर नहीं आता कंबस्टन चैम्बर कंबस्टन कंडक्शन चैम्बर क्या होता है बेटा दहन कक्ष दहन कक्ष कहा होता है ऊपर या नीचे ऊपर नीचे क्या होता है क्रैंकेस कौन है सॉरी हाँ क्रैंकेस क्रैंकेस यानी ऑयल चैम्बर ठीक है ना चलो जी अब आती है आपकी कनेक्टिंग रोड कौन है बेटा ये वाला हिस्सा कौन है पिस्टन पिन कौन सी पिन और ये कौन है कनेक्टिंग रोड और कनेक्टिंग रोड को जोड़े रखने का काम कौन करती है क्रैंक किस पिन के द्वारा क्रैंक पिन के द्वारा पिस्टन हमारा मोशन कैसे करता है और बेटा ये कैसे करती है रोटेरी पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक साफ्ट के रोटेरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है यही क्वेश्चन आता है बस ठीक है क्वेश्चन ही यही बनता है कनेक्टिंग रोड आई सेक्शन की बनी होती है फोर्ज स्टील की होती है बेटा फोर्ज स्टील का मतलब जिसे हथोड़े से पीट पीट कर बनाया गया हो फोर्जिंग का मतलब क्या होता है पीट पीट के बनाना जिसे फोर्जिंग करके बनाया हो कनेक्टिंग रोड के छोटे छिद्र में गोल बैरिंग और बड़े बे में फ्लैट बैरिंग लगी होती है यहां पर तो कौन सी बैरिंग और यहां पे कौन सी फ्लैट बैरिंग लगाई जाती है आपकी जो कनेक्टिंग रोड है मजबूत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए क्यों पता चला कनेक्टिंग रोड तुम्हारी दूसरे को घुमा रही है और घुमाते घुमाते कनेक्टिंग रोड ही मुड़ गई नो oh no, मुझे सीधा करो कोई <laughs> चलो जी है ना तो बेटा ये इस तरह की आपकी कहानी होती है लेकिन इस चीज को हम और समझे भाई ये आपकी गोल होनी चाहिए इस तरह की मजबूत होनी चाहिए लेकिन हल्की होनी चाहिए भारी हल्की भारी होगी तो वजन हो जाएगा वाइब्रेशन होने लग जाएगा कंपन करने लग जाएगी हल्की होनी चाहिए ठीक है चलो आगे देखते हैं कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा आई होल की तरह होता है उसमें फास्फोरस ब्रोंज के भूस लगे होते हैं क्या लगे होते हैं बैरिंग को जिसमें लगाते हैं उसे भूस बोलते हैं बेटा ठीक है ना फास्फोरस ब्रोंज के भूस लगे होते हैं कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को, को जोड़ती है कनेक्टिंग रोड किस जोड़ती है बेटा पिस्टन को किस से से ये कौन है ये कौन है कौन जोड़ती है किसकी बनी होती है जी फोर्ज किसकी फोर्ज है जी फोर्ज स्टील की किसकी सेक्शन कैसा होता है आई सेक्शन कैसा होता है छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है और बड़ा सिरा क्रैंक पिन से क्रैंक के द्वारा जुड़ा क्रैंक के द्वारा क्रैंक पिन से जुड़ा होता है पिस्टन की रेखीय गति को वृत्तीय गति में बदलना होता है इसका मेन पर्पस जो मैंने यहां लिख दिया लीनियर मोशन ऑफ पिस्टन पिस्टन का कैसा मोशन लीनियर कैसे मोशन में ऑफ क्रैंकशाफ्ट कौन बदलेगी बेटा कनेक्टिंग रोड कौन कनेक्टिंग रोड बेटा ये जो कनेक्टिंग रोड है ये कैसी होनी चाहिए सुदृढ़ होनी चाहिए ताकि ये मुड़ ना सके ठीक है ना कल को ये मुड़ जाए और हल्की भी होनी चाहिए ताकि रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण कंपन ना करे वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए कंपन नहीं होना चाहिए इसके बाद में कनेक्टिंग रोड में ऑयल होल होता है जिसके कारण प्रॉपरली इसको क्या किया जाता है लुब्रिकेशन किया जाता है छोटा सिरा पिस्टन के साथ ऊपर नीचे गति करता है और बड़ा सिरा क्रैंक साफ्ट के साथ में गोल गोल घूमता है ठीक है स्मॉल एंड पिस्टन के पिन के लिए जो बैरिंग लगाते हैं वो बैरिंग किसकी है कहाँ से की और क्रैंक के लिए जो है वो फास्फोरस फांसफोरस ब्रोंज के किसके हैं फास्फोरस ब्रोंज के अगला है बेटा आपके पिस्टन पिन क्या है है आप तो इनके नाम याद रख लो पिस्टन पिन को गजन पिन कहते हैं क्या बोलते हैं इसी का दूसरा नाम क्या है रिस्ट पिन इसी का तीसरा नाम क्या है यानी इनके सारे नाम आपको याद रखना है काम क्या है पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड से जोड़ना और पिस्टन पिन अधिकतम कैसी होती है खोखली क्योंकि होलो सेक्शन की स्ट्रेंथ क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है जी चलो इसके बाद में ये स्टील की बनाई जाती है इसकी जो सतह बेटा जो स्टील होती है अगर आपकी लो कार्बन स्टील है और माइल्ड स्टील है लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील बोलते हैं और एक आपकी होती है बेटा मीडियम कार्बन स्टील क्या होती है अगर लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील आपके पास है या आप उनको यूज लेते हो मेरी बात को समझना लो कार्बन स्टील या मीडियम स्टील है तो उनको करते हैं केस हार्डनिंग क्या करते हैं यानी केवल बाहर की सतह को हार्ड करते हैं लेकिन हाई कार्बन को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है ठीक है तो ये आपकी माइल्ड स्टील की बनी होती है इसलिए इसे केस हार्डनिंग करते हैं और ये केस हार्डनिंग करने से क्या बेटा सतह आपकी घिसाव रोधी बन जाती है वियर रजिस्टेंस हो जाता है यानी घिसती नहीं है घिसती नहीं है तो ज्यादा समय तक चलेगी हाँ या ना चलो जी अगली होती है कौन क्रैंक साफ्ट ध्यान से देखो ये वाला जो नीला वाला पोर्शन है ये कौन है सिलेंडर ये क्या है सिलेंडर ये क्या है ये क्या है सिलेंडर कितने सिलेंडर है चार सिलेंडर है तो पिस्टन कितने होंगे चार और स्पार्क प्लग कितने लगेंगे चार वाल कितने होंगे आठ चार इनलेट और चार आउटलेट ठीक है सिलेंडर के अंदर जो चलता है उसे पिस्टन बोलते हैं पिस्टन जिस रोड से जुड़ा है उसे पिस्टन रोड या कनेक्टिंग रोड कहते हैं कनेक्टिंग रोड जिस पर कनेक्ट होती है उसे क्रैंक साफ्ट कहा जाता है क्रैंक साफ्ट जो है इसके अंतिम सिरे पर एक व्हील लगा होता है जिसे क्या बोलते हैं बेटा इंजन में कितने स्ट्रोक हैं सक्शन कंप्रेशन पावर और एक्जो चार स्ट्रोकों में से पावर कितने स्ट्रोक में मिलती है एक में पावर स्ट्रोक में बच्चे तीन स्ट्रोक क्या रहते हैं खाली तो बेटा खाली स्ट्रोक में तो इंजन को खुद को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आती है फ्लाई व्हील से व्हील एक स्ट्रोक में इतनी एनर्जी दे देता है पावर स्ट्रोक में इंजन इतनी एनर्जी दे, दे देता है कि बच्चे के तीन स्ट्रोकों को चलाया जा सके उस एनर्जी को स्टोर करने का काम फ्लाई व्हील करता है और जैसे जैसे सक्शन कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उनमें लगातार एनर्जी को देता रहता है जिसके कारण इसमें फ्लैक्चुएशन नहीं आता है आपने सुना होगा फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल करता है भाई फ्लाई व्हील इंजन के कितने स्ट्रोक हैं चार स्ट्रोक में से पावर कितने मिलेगी बच्चे तीन स्ट्रोक के रहते हैं खाली तो तीनों स्ट्रोकों को समान रूप से चलाने के लिए कौन सा व्हील लगाते हैं एनर्जी को स्टोर कर लेता है और आवश्यकता के अनुसार देता रहता है जिससे चारों स्ट्रोक सेम स्पीड पर चले नहीं तो बेटा क्या होगा गाड़ी पावर स्ट्रोक में तो एकदम से भगेगी आगे और बचे तीन स्ट्रोकों में धीरे धीरे चलेगी रुक जाएगी फिर एक स्ट्रोक में भगेगी जोर से सपोज करो तुम लोग तो भाई कार चला रहे हो ये मोटरसाइकिल है तुम्हारे पास सामने वाली कोई लड़की आ गई जिसके पास स्कूटी है तो क्या तुम तुम कितना ही साइड में कर लो एक दिन विक्रम सर आ रहा है सर्किल में जूस पी रहे थे साइड में खड़ा करके लड़की ने ठोक दिया विक्रम सर ने कुछ भी नहीं कहा उससे लड़की और उनके ऊपर चढ़ गई आप देख नहीं सकते, सकते। विक्रम सर ने उन्होंने कहा मैं देख नहीं सकता मतलब जूस पी रहा हूं मैं तो उन्होंने तो कहा नहीं नहीं फिर भी आपको साइड में तो खड़ा करना चाहूंगा मैडम सड़क से नीचे है तो लड़कियों का को कोई भरोसा नहीं है ब्रेक हाथ में होते लेकिन ब्रेक से ज्यादा भरोसा उनको अपने सैंडल पे होता है पैरों पर होता है तभी हिलके पहनती बेटे इतने बड़े बड़े कितने घिसेंगे घिसले खत्म तो होना नहीं इतना बड़ा हिल खत्म होता है क्या वो इसी वजह से रहते हैं बेटा बड़े बड़े हिल ठीक है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रेंग साफ्ट पहला भाग है जिस पर पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रोड के सहायता से किस में पहुंचता है वृत्तीय गति में परिवर्तित हो जाता मैं आपसे ये कह रहा था बेटा जैसे पवन ने तो हमारा मुद्दा खराब कर दिया फ्लाईव्हील अगर नहीं होता तो क्या होता जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे होते और आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो गाड़ी एक बार तो क्या बेटा अस्सी की स्पीड पर चल जाती फिर बीस पे आ जाती सामने सपोज करो कोई लड़की या कोई लड़का आ गया और उसी टाइम तुम्हारा इंजन का पावर स्ट्रोक है गाड़ी कितनी स्पीड से जाती ब्रेक ही नहीं लगता सामने वाले को उड़ा ले जाते हैं फिर आगे जाके रुक जाती फिर भक्ति एकदम से तो ऐसा होता इसलिए क्या लगाया अब जितना पावरफुल इंजन है फ्लाईव्हील उतने ही बड़े रहेंगे जैसे आपकी स्कूटर या बाइक है उसमें छोटा सा होता है और ट्रैक्टर में इतना बड़ा होता है और बड़ी गाड़ियों में और बड़ा रहता है इंजन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा फ्लाई व्हील का साइज भी बढ़ता जाता है ठीक है जी इधर तो कौन सा व्हील लगा दिया फ्लाई व्हील इधर लगा होता है बेटा स्पोकेट क्या उस स्पोकेट पर चढ़ी होती है चैन जैसे चैन चक्के होते हैं ना अपन तो उन्हें चैन चक्के बोलते हैं इस पॉकेट बोलते हैं स्पोकेट पर लगी होती है चैन चैन से चलती है कैम साफ्ट कौन चलती है नाम सुना होगा ना कैम का तो कैम चलती है कैम से चलता है रोकर रोकर से टैपेड टैपेड से पुश रोड और पुश रोड से वाल ऑपरेट किए जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूं एक बार हल्का सा इसमें है गया ये है ना डायरेक्टली ले लेता हूं जैसे ही ये रहा आपका मैंने कहा ये आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है ये कौन है बेटा कितने पिस्टन है वाल कितने हैं एक इनलेट और दूसरा आउटलेट वाल है यहां पर एक व्हील लगा है जिसका नाम क्या है फ्लाई व्हील से कौन जुड़ेगा क्लच क्लच से गियर बॉक्स गियर बॉक्स से प्रोपेलर साफ्ट प्रोपेलर साफ्ट से डिफरेंशियल डिफरेंशियल से रियर एक्सल रियर एक्सल से टायर व्हील फील जो भी ट्यूब टायर जो भी तुम लगाओ लगा लो इधर लग गया फ्लाई व्हील एनर्जी जा रही है गाड़ी में यानी पहियो तक ठीक है बेटा इधर लगा होता है इस पॉकेट इस पॉकेट पर क्या लगी है चेन, चेन से कौन चलेगा कैम कौन चलेगा कैम कैम से 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 कौन चलेगा टेपेट, टेपेट से, से, रोकर आरम से, वाल इस तरह से वालों को ऑपरेट करते हैं जो इनलेट आउटलेट वा, वाल खुलते हैं ना वो यहां से खुलते हैं बेटा ये अंदर रहता है ये बाहर रहता है हमें ये तो दिखता है लेकिन ये वाला दिखता ही नहीं है जी टाइमिंग चैन भी रहती है बेटा तो ये पूरा का पूरा जो झमेला है ना ये अंदर है इसको भी मैं समझाऊंगा क्योंकि मैं चालीस से सीधा जंप मार के अस्सी पे आया हूं ध्यान रख लेना ठीक है ना अपन ने बहुत आगे मतलब क्रॉस कर दी लाइन को केवल इसलिए कि आपको समझाए सर्विस करवाए ना कभी फिर तू काय का मिस्त्री है रे सर फीटर की पीडीएफ डाल दो मॉर्निंग की ठीक है बेटा डाल देते हैं अभी ये जो कैम साफ्ट है ये कैम के द्वारा कौन से चैन से जुड़ी होती है टाइमिंग चैन बोल दो या बेल्ट होती है बेटा है ना अगर चैन लगी है तो टाइमिंग चैन है और बेल्ट है तो अपने बेल्ट ड्राइव होती है सिंपल वाली ये अंदर की तरफ वाला मैकेनिज्म है लेकिन क्रेंक साफ्ट मिस्र स्टील की कास्टिंग या फोर्जिंग करके बनाई जाती है और इस पर हीट ट्रीटमेंट के द्वारा केस हार्डनिंग करते हैं क्रेंक साफ्ट और कैम्प साफ्ट एक दूसरे के क्या होती है अभी दिखाई मैंने समांतर होती है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है इनका मोशन क्या क्या है ये, मैं आगे क्योंकि अभी ये थोड़ी से आपको लगेगी है ना? अभी मैं जब करके देखो पिन यूज टू कनेक्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना वह कौन से पिन है जिसको यूज में लेते हैं कनेक्ट करने पिस्टन एंड शॉर्ट एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे को पिस्टन के द्वारा किस के द्वारा जोड़ा जाता है गजन पिन पिस्टन पिन या रिस्ट पिन अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर दोगे क्या यही आते हैं बेटा समझ गए चलो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल इज नॉट यूज फॉर मैन्युफेक्चरिंग क्रेंगसाफ्ट क्रैंकशाफ्ट साफ्ट बनाने में किस मटेरियल को काम नहीं लेते हैं क्यों नहीं लेते मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है एक मिश्र धातु होती है टाका क्या होती है और ये टाका बेटा कब फिट होता है जब क्या मारते हैं सीटी है ना हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था मुझे नहीं पता टा कब फिट होता है जब क्या मारते हैं सीटी सी से क्या सीसा मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी सीटी नहीं मारी क्योंकि मुझे आता नहीं है है ना ये तो पढ़ाने की बात है बेटा याद करने के लिए कहीं तुम सोचो सर ऐसे करते हैं है ना न ना बजे तो नहीं जानता बेटा री तो वैसे ही मिची रहे बेटा घंटा रात को सोता नहीं दिन करता रहता है अभी मैं चश्मा बोलिया नहीं मैं तेरे को अभी देखता लेकिन मुझे दिख नहीं रहा तू प्रति पीछे वाला है ना देखो भाई तो मैंने कहा टाँका टाँका कब फिटोगा जब क्या मारेंगे सीसा और टिन ये दोनों जो मिश्र धातु ये जो टाका या मिश्र धातु है सीसा और टिन से मिलकर बनी है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा ये लो होता है जैसे अपने बिजली के उपकरण होते हैं ना जैसे मोबाइल का चार्जर है या आपका टेलीफोन है या कोई भी डिवाइस टीवी रेडियो वगैरह उनमें तार लगे रहते हैं बेटा टांके हैं ना, बिजली के तो वो टांके कई बार हट जाते हैं जैसे अपना चार्जर का तार हट गया तो उनको जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करते हैं ना ये टाके कोई अंग्रेजी में सोल्डर बोलते हैं बेटा है जी क्या कैसी होती है सोल्डरिंग अलग है ब्रेजिंग अलग है सारे है ना वो अलग कोपर में काम लेते हैं बेटा ये जो सोल्डरिंग है ये सोल्डर होता है जो बिजली के उपकरणों में टांके मारने के काम आता है लोहे के चीजें हैं उनको जोड़ना है तो इससे जुड़ जाएगा क्या सोल्डरिंग से जैसे मेरी कोई बेंच टूट गई इसको कर सकते हैं क्या इस पर तो वेल्डिंग करनी पड़ेगी समझ गए वेल्डिंग एक मजबूत जॉइंट है ये मजबूत है पर इतना मजबूत नहीं है इसको हाथ से खींच के तोड़ा जा सकता है तो ये जो है ना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा हल्का सा बिजली से इसको अपन गर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग डेढ़ सौ से लेके दो सौ या ढाई सौ डिग्री सेल्सियस तक इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब इतने पे गर्म हो जाता है पिगड़ जाता है अगर गलती से आपने कनेक्टिंग रोड इसकी बना दी सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर होता है दो हजार से ढाई हजार डिग्री सेल्सियस ये तुम्हारी कनेक्टिंग रोड और ये जो है ना सब पिघल जाएगी गायब गायबी हो जाएगी कहाँ गई समझ गए इसलिए इसको यूज में नहीं लेते हैं अगला क्वेश्चन है कनेक्टिंग रोड किसकी बनी होती है फोर्ज स्टील की किसकी स्टील को फोर्जिंग करके बनाते हैं आई सेक्शन में कौन से सेक्शन बेटा अगला क्वेश्चन है इंजन में दो चक्कर होती हैं किसके कैम साफ्ट के ठीक है लेकिन इसको मैं आगे समझाऊंगा बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका द पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग पिस्टन रिंग किसको कंट्रोल करती है पिस्टन में पहले तो बताओ रिंग कितने तरह की है एक तो ऑयल और दूसरी कंप्रेशन रिंग ऑयल रिंग ऑयल को कंट्रोल करती है कंप्रेशन रिंग कंप्रेशन रिंग ऊपर का जो कंबस्टन चैम्बर का उच्च तापमान है ये फ्यूल है उसको नीचे जाने से रोकती है तो बेटा ये क्या करती है कंप्रेशन का प्रेशर और तेल की खपत और इंजन की के सिलेंडर के दीवारों को लुब्रिकेट करके रखती है क्या दूसरा है क्लीन द वाल वालों को साफ करती है पोचा ओचा लगाती है उनपे नहीं लगाती टू मेक ए स्ट्रॉन्ग दीवारों को मजबूत बनाती है अंबुजा सीमेंट की तरह नहीं बनाती तो फिर यही सही है बेटा कंप्रेशन के लिए प्रेशर बना के रखती है ऑयल कंप्रेशन एंड लुब्रिकेशन ऑयल है उसको कंट्रोल करती है पोचा ओचा लगाती हूँ मेरे पीछे से गजन पिन और पिस्टन पिन किसकी बनी होती है हार्ड एंड ग्राउंड स्टील हार्ड स्टील की तो बनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोनों बच्चियों में से एक बताएगी भाई कोई सी और इधर वाली बताएगी क्या नाम बेटा आपका प्रिया।, प्रिया प्रिया बताएगी हाउ मेनी कंप्रेशन रिंग शुड बी इन द इंजन कंप्रेशन रिंग तो ही होती है क्या चलो हाउ मेनी कंप्रेशन रिंग शुड बी द इंजन इंजन में कंप्रेशन रिंग कितनी होती है जनरली है ना बच्चे पढ़ने में गलती कर देते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा इंजन में रिंग तीन 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 भाई ये पूछा है कि कंप्रेशन रिंग कितनी होती है कंप्रेशन रिंग दो ऑयल रिंग एक कुल मिला के तीन ठीक है जी चलो आगे चलें अगला क्वेश्चन है असेंबल असेंबल है टाइप टाइप इज मेनली जो होती यानी पूरी की पूरी नहीं होगी टुकड़ों में किस में बनी होती है मोटरसाइकिल में किस में बेटा मोटरसाइकिल के क्रेंसॉ असेंबल टाइप होती है ना अब पढ़ेंगे हम पलाई व्हील क्या पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे कल ठीक है बेटा आज के लिए इतना ही समझ में आ गया ना इंजन कितने पढ़े थे आप लोगों ने अभी तो टू स्ट्रोक देख रहे हो फोर स्ट्रोक फोर स्ट्रोक ही तो चल रहा है अभी है ना चलो जी थैंक यू इंजन तो भी स्टार्ट करेंगे हुँ?